कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। रोहतक में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी की गौरव यात्रा लेकर निकले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में ईडी सीबीआई जैसी सुप्रीम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दीपेंद्र ने बिना नाम लिए कुलदीप बिश्नोई को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए का काला धन रखने को लेकर बिश्नोई के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन बिश्नोई के भाजपा में आते ही उनके सारे दाग भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये जांच एजेंसियों की बात आई आपकी, ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में जांच एजेंसियों को जिस प्रकार से का दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल विपक्ष को निशाने पे लेके जाने के, देश में कोई भी विपक्ष की आवाज़, कोई भी विपक्ष के रूप में किसी भी प्रदेश में देश में कोई दिखती है तो उसको जांच एजेंसियों के निशाने पे लिया जाता है। और कोई शामिल हो जाए तो रातों रात उसके जो है वो अपना उसके सारे जो है मुकदमे वापस लिए जाते हैं। अभी आप ये देखिए आदमपुर में क्या क्या रहा है, उसमें काला धन, कई सौ करोड़ का काला धन, विदेशी जो है काला धन भी की बातें का केस मुकदमे बने। तो मैं सोचना बताना चाहता हूँ कि भाई ये क्या कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो काला धन से सफ़ेद धन होने की, कौन सी वॉशिंग मशीन, क्या उस वॉशिंग मशीन का नाम भारतीय जनता पार्टी है? अगर है तो क्या ये इससे ज़्यादा कोई भ्रष्टाचार हो सकता है? दरअसल जुलाई 2019 में आयकर विभाग द्वारा कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी के बाद करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की गुप्त विदेशी संपत्ति का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, विभाग की टीम ने गुरुग्राम स्थित होटल समेत कई संपत्तियों को अटैच किया था और इस दौरान कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 150 करोड़ बताई गई थी। बता दें कि आयकर विभाग टीम ने 72 घंटे तक बिश्नोई के घर व ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसके बाद टीम भव्य बिश्नोई को भी साथ लेकर गई थी। हालांकि भाजपा में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ करार कर दिया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से बिश्नोई के विदेशी काले धन का जिक्र किया है उससे कहीं न कहीं बिश्नोई घिरते दिखाई दे रहे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।